मेरे पास तो करीबन 4,000 के आसपास तस्वीरें हैं बचपन की, स्कूल से लेकर के। और कोई विश्वास करेगा कि जितना ये बड़ा सफर मेरा ये पैदा हुआ है, सिर्फ 2 रुपए का एक मेला कुचला नोट मेरे जीवन में आया, 2 रुपए का, और उसने ही आज इस पवन भूत को यहां खड़ा किया। बात ये हुई कि मैं क्लास 8 या 9 में पढ़ता था, उम्र थी 15-16 साल। ऐसा पागलपन था मेरे अंदर 15-16 साल की उम्र में कि मैंने अपने बैंकर को मजबूर किया कि मेरा करेंट अकाउंट खोलो। मतलब चेक को लेके ऐसा कोई पागलपन था बचपन में। पापा का अकाउंट नहीं था, मैंने बोला मेरा अकाउंट खोलना है। अकाउंट तो नहीं खुला, तो पोस्टमास्टर की गर्दन पकड़ी और अपना सेविंग अकाउंट खुला के 14 साल की उम्र में। चलो तो ठीक है, भगवान ने किया, 5 रुपये से खुलाया। और वहाँ पे होती थी रथ यात्रा, पिताजी ने 1 रुपया नहीं दिया जिस दिन, तो सीधा पोस्टमास्टर के पास पहुंच गया कि 1 रुपया दीजिए, मुझे पापड़ खाना है। दिस इज द चाइल्डहुड लाइफ। 2 रुपया ने क्या किया बताता हूँ आपको मैं। क्लास 9 में पढ़ता था, स्कूल जाता था अपने बाल्यकाल में, तो 320 रुपये का चेक था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कोई चेक 320 रुपये का सड़क पे कहीं पड़ा था। और मैं ट्यूशन से लौट रहा था अपने घर शाम की 6 बजे। तो चेक इतना आकर्षित करता था मुझे बचपन में कि वो चेक मैंने उठाया और लाके पापा को दिखाया अपने घर पे। संजोग से हमारे परिवार में भी कपड़े का ही बिजनेस था उस वक्त, दुकान थी हमारी 2 कपड़े की, रिसड़ा, लोकेशन इज रिसड़ा। तो पापा बोले, अरे ये तो चेक तुम्हारे स्कूल का है। स्कूल का है, किसका है? तो सुबह जाना और प्रिंसिपल को ये चेक दे के देना। मैं 9:30 बजे सुबह स्कूल गया, प्रिंसिपल आए तो उनको मैंने चेक दिया। चेक किसका था? वो जो मेरे यहाँ वो सफाई करती ना, जो औरत, विधवा औरत जो हमारे स्कूल की कर्मचारी थी, उसका सैलरी का चेक था। और उस बेचारी से उस वो गिर गया था साड़ी से कहीं सड़क पे, और वो रात भर रोती रही कि अब चेक तो गिर गया, क्या खाऊंगी मैं। तो मैंने वो चेक प्रिंसिपल को दिया, प्रिंसिपल ने चेक लिया, बुला करके दिया, मैं अपनी क्लास में चला गया। बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड था मेरे स्कूल का, उस ब्लैक बोर्ड में मेरे बारे में लिखा गया, पवन इसने क्लास में पढ़ता है और उसने असाधारण कार्य किया है, इस गरीब औरत का चेक ला के दिया है, इसके लिए हम लोग उसको 2 रुपए का एक पुरस्कार आज स्कूल की तरफ से प्रदान कर रहे हैं। 2 रुपए का वो पुरस्कार सर आए, प्रिंसिपल सर क्लास में मुझे दिया वो नोट, पता नहीं खो गया मुझसे, लेकिन इस 2 रुपए ने मेरे को 1500 बच्चों के बीच में अलग से खड़ा कर दिया। वो प्रेरणा, पिताजी कहते थे कपड़े का बिजनेस कर लो। देश के 5-7 ऐसे उद्योगपति हैं जो मेरे क्लासमेट हैं, जिसमें सेंचुरी प्लाई एक नाम है, हम लोग एक साथ कॉलेज में पढ़े हैं, जो कलकत्ता के जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ उस कॉलेज ने पूरे इंडिया को हजारों चार्टर्ड अकाउंटेंट दिए हैं, हजारों उद्योगपति दिए हैं। दैट कॉलेज इज उमेश चंद कॉलेज ऑफ कलकत्ता। सारे CEO वहीं से पैदा होते हैं, आप पता कर लें, कलकत्ता का जितना भी साम्राज्य है, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, वही कॉलेज है जहाँ से मैं पढ़ा। लेकिन किस्मत में लिखा था उद्योगपति नहीं बन पाया, तो जर्नलिस्ट बन गया। जर्नलिस्ट बनकर के आज यहाँ खड़ा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। बहुत समय नहीं लूँगा क्योंकि आप सबको डॉक्टरेट का बहुत प्रतीक्षा है, आप सबका ये शुभ दिन है आपके लिए, ये दिन आज हमने मुकर्रर किया है। मित्रों, पुलिस पब्लिक प्रेस की जो यात्रा है वो यात्रा चलती जा रही है बहुत बड़े रूप में। आज पिछले 5 साल से ये जो अमेरिकन ईस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी का मैं जो काम कर रहा हूँ, बोस्टन की हमारी यूनिवर्सिटी है, और इसके माध्यम से कब से 150 के आसपास लोगों को मैंने डॉक्टरेट दिया है, असाधारण लोगों को दिया है, ऐसे ऐसे लोगों को दिया है, डॉक्टर कन्नू भाई टेलर सूरत का ही बंदा है, असाधारण, हाथ पैर नहीं है, पद्म भूषण मिला है। आज मेरे हर कार्यक्रम में, आज किसी कारण से उनकी फिल्म, उन पर बहुत बड़ी फीचर फिल्म बनी है, उस फिल्म का आने जाने समय में कुछ उद्घाटन होने वाला है, मैं भी जाऊंगा उनके साथ। तो इस तरह के 100 लोग हैं, आज जुड़ गए बहुत से लोग, आज फिर जुड़ गए, जो बहुत से लोग लेट हो गए हैं उन सबको मैं मुंबई बुला रहा हूँ। मुंबई में भव्य कार्यक्रम है जिसमें हमारे राजपाल यादव हैं, गुलशन ग्रोवर हैं, इस बार डॉक्टरेट की डिग्री हम उनको दे रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा अगले किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे मेरे साथ। तो आज जिन लोगों को डॉक्टरेट मिल रही है उनसे मेरा बहुत विनम्र आग्रह है कि ये डॉक्टरेट एक बहुत बड़ी आपके ऊपर जिम्मेवारी है। ये खुश नहीं हो जाए कि आपने लाल कोट पहन लिया है, एक डिग्री आपको मिल रही है, मिनटों मिल रहा है स्टेज पे। भाई साहब, पवन भूत उतना सक्षम नहीं है कि हजार हजार लोगों की जिंदगी बदल सके। आपको भगवान ने किसी और अच्छी जगह पे रखा है,
तो निश्चित रूप से आपकी जिम्मेवारी बढ़ी है, आपके भाग्य में कुछ और बड़ा लिखा है। आप इस डिग्री के मार्फत ऐसे 100 लोगों को ढूंढिए और उनको सम्मानित कीजिए, चाहे वो 2 रुपए से हो। एक सम्मान, मेरा 2 रुपए का सम्मान आज मुझे देश विदेश में इतने ही तकन्नीमत्ता से, मैं विदेश में भी जाके अनजान से अनजान शहर में जाकर के जहां मुझे कोई नहीं जानता एयरपोर्ट से उतरता हूं और इससे बड़ा फंक्शन करके वापस चलाता हूं। वो शहर है इंडोनेशिया का, वो शहर है बाली, शहर है दुबई, सिंगापुर की तैयारी है मेरी। तो मेरा आग्रह है कि आप आज जिस जिम्मेवारी के साथ यहां आए हैं, उस जिम्मेवारी का रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, यहां से जब जाएं तो इस डॉक्टरेट की डिग्री का ये जो फायदा है वो ये है कि समाज के जिस जगह से आप आए हैं उस जगह के कुछ लोगों को आप ढूंढें, डॉक्टरेट ना सही, उनको और प्रोत्साहित करें। महिलाएं हैं, युवा हैं, और उसी से अपने देश के बहुत से लोगों का फायदा होगा। जुड़ने के लिए आप उनको मेरे साथ जोड़ सकते हैं, आप अपने साथ वहां कार्यक्रम में जोड़ सकते हैं, हमारे किसी अगले कार्यक्रम में उनको भेज सकते हैं या हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। बहुत समय नहीं लूंगा, मेरे बारे में जानकारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, ट्विटर पे मिल जाएगी, मेरे फ़ोन नंबर पे मिल जाएगी आपको। बस मेरा आग्रह ये रहेगा कि आज हमारे बीच आप सब आए हैं, हमारे बीच जो 2 अतिथि हैं उनके बाद हम तुरंत डॉक्टरेट का कार्यक्रम शुरू करेंगे। समय निश्चितता से निकला जा रहा है, एंकर साहब से आग्रह है कि मेरे जो अतिथि हैं उनको बुला करके इस कार्यक्रम तुरंत आगे ले जाए। थैंक यू।